अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जो आज आपका सेकंड सिटिंग में इंग्लिश 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपका ये रामबाण वीडियो सेकंड प्रोवाइड करा रहे हैं। बस कल वाला जो प्रोवाइड करा है 10 बजे रात को, वो देख के चले जाना है। और अभी वाला देख के चले जाते हैं तो आपका इंग्लिश 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जितना हो सके इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इसमें 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, 10 क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और इसी से आपका सब्जेक्टिव आने वाला है। तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसमें समरी वगैरह सब प्रोवाइड कराना है, सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराना है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिले, तभी आप लोग के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का 4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। वो 4 ही वीडियो से सारा आपको आने वाला है। आज आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको पेपर बैग समझा देता हूँ कि पेपर कैसा आता है और क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखिए पेपर बैग यहाँ पे ब्लूप्रिंट समझ लीजिए कि ब्लूप्रिंट पेपर का क्या है। जो आज आपका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट्स, उसका ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका, इसमें आपका 25 MCQ आपको बनाना रहेगा। मतलब 30 आएगा उसमें से 25 आपको MCQ को बनाना है। बहुत सारे बच्चे 30 MCQ बना ले रहे हैं, बहुत आप गलती कर रहे हैं। जितना वहाँ पे जैसे 60 में 50 बनाना है, जहाँ 35 बनाना है वहाँ 42 आ रहा है तो 42 में 35 बनाना है, जहाँ पहले 25 आता था अब 30 आ रहा है तो 30 में 25 बनाना है। पूरा नहीं बना के आइए, यहाँ पे आपका MCQ आएगा। कल आपको रात में एक वीडियो प्रोवाइड कराए थे सब्जेक्टिव का, जो अभी तक पोएट्री प्रोज और नोवेल नहीं पढ़ के गए हुए हैं, अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो मात्र 15 मिनट में पूरा पढ़ सकते हैं और उसी से 10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा जो सब्जेक्टिव बेस्ड आता है। 15 तो आपका ग्रामर से आता है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें कैसे होता है, देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न। 15 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर प्लस 3 फ्रॉम प्रोज, 3 आपका प्रोज से आता है, 3 आपका पोएट्री से आता है और 4 क्वेश्चन आपका नोवेल से आता है जो डेविड कॉपरफील्ड का है। पूरा इसमें डेविड कॉपरफील्ड का इसमें 12 पॉइंट लेके पूरा आपको नोवेल को क्लियर कर दिए हैं 2 मिनट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे जो कल आपको रात में 10 बजे वीडियो प्रोवाइड कराए थे उसका। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप 1 था आपका, मतलब ये ग्रुप ए था जो आपका MCQ आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। ग्रुप बी से आपका सब्जेक्टिव होता है जो 25 नंबर का होता है। तो इसमें देखिए इसमें आपका क्वेश्चन आंसर आता है जिसमें से आपको 2 का आंसर देना रहता है। 5 क्वेश्चन आता है और 5 में से कितना का आपको आंसर देना है, तो 2 का आंसर देना है इसमें से। तो ये कितना का हो जाता है, 1 5 नंबर का रहता है, तो ये 10 नंबर का आपका रहता है। ठीक है, पूरा समझ रहे हैं। 5 क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो प्रोज और पोएट्री से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आएगा, सो डैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टैंड एनी ऑफ द 3 पोयम। देखिए 3 यहाँ पे पोयम दे देगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। और यही 3 पोयम से ऑल द 3 ऑप्शंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम पोयम ऑफ योर बुक प्रोज एंड पोएट्री। जो आपका प्रोज एंड पोएट्री है इसी से आपका थोड़ा सा, देखिए जैसे उसका थोड़ा सा यहाँ पे 3-4 वर्ड लिख देगा और इसी से रिलेटेड यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे देगा सॉल्व करने के लिए। ये आपका 5 नंबर का हो गया। चलिए सब्जेक्टिव 15 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ये आता है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन आपको देगा, 3 ऑप्शन में से कोई एक का स्केच आपका आता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे सब पूरा डिटेल्स में आपको, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, पूरा डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आंसर के साथ। तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये आपका 5 नंबर का आएगा, 3 में आपको 1 बनाना आता है, 5 नंबर का आएगा। इसका भी गेस है, सबका गेस है, जो जो आपको सब्जेक्टिव यहाँ प्रोवाइड कराए हैं सभी सब्जेक्टिव का गेस है। बस उतना करके आपको चले जाना है। लास्ट में आपका एक पैराग्राफ आता है जो 75 से 80 वर्ड में लिखना रहता है, ये 5 नंबर का रहता है। तो कितना हो गया, 20 5 25, तो 25 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका। देखिए VVI गेस है प्रोज एंड पोएट्री का, 10 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वाई वाज द ऑथर स्टीफन लीकॉक नॉट प्लीज्ड विथ द फोटोग्राफर।
यहाँ पे देखिए आंसर क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ द फोटोग्राफर इरिटेटेड द ऑथर इंस्ट्रक्टिंग हिम सम टाइम्स टू ओपन हिज माउथ सम टाइम्स टू कीप हिज ईयर्स एंड लिटिल डाउन एंड सम टाइम्स टू रोल हिज आईज इटीसी द फोटोग्राफर हैड क्रिटिसाइज आल्सो अबाउट ऑल द ऑथर ऑर्गन्स दिस इज द रीजन वाई द ऑथर वाज नॉट प्लीज विद द फोटोग्राफर। आपको पता होगा फोटोग्राफर जो आपका था उसमें जो ऑथर था वहाँ स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने गए हुए थे, स्टूडियो कैसा था तो स्टूडियो वेरी बैड था। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोटोग्राफर कब बोला था कि ऑथर को कि आप फोटो लेने आइए, तो सैटरडे को बोला था। तो यहाँ पे पूरा इरिटेट हो गए थे जो यहाँ पे ऑथर थे, ये प्लेज नहीं थे, खुश नहीं थे फोटोग्राफर से, क्योंकि फोटोग्राफर अपना मनमानी कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पूरा ये आंसर को आपको याद करके चल जाना है। मात्र 10 क्वेश्चन है, अब आप बोलिएगा कि टाइम कम है, टाइम आपके पास है। देखिए 12:45 में आपका एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद 1:45 में एंट्री है। एक घंटा में कोई आराम से इस वीडियो को देख सकता है। अभी भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, लगभग 7:30 बज रहा है, अभी भी आपके पास 1.5 घंटा टाइम है। मान लीजिए मैथ है तो आधा घंटा अभी देख लीजिए, फिर 1 घंटा देख लीजिएगा 12:45 से। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हाउ इज मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर CM जोड, ऑथर और जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑथर और पोएट का नाम जरूर याद करके जाना है। प्रोज का ऑथर होते हैं और पोएम का पोएट होते हैं, इसको जरूर याद करके आप लोगों को जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। तो इसका देखिए आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर CM जोड, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू विथ साइंस, इट हैज गिवेन अस वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एरिया ऑफ ए हेल्दी लाइफ, इट हैज गिवेन अस एडवांस टाइप ऑफ वेपन्स टू प्रोटेक्ट आवर सिविलाइजेशन अगेंस्ट द बारबेरियंस, द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज फार फ्लंग। ऑन द अदर हैंड डेड इट सिविलाइजेशन वॉज रीजनल, इट हैज नाइदर सो मच मेडिकल फैसिलिटी टू प्रोवाइड ए हेल्दी लाइफ नॉर इट हैड एडवांस वेपन्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट द बारबेरियंस। तो देखिए यहाँ पे 1 by 1 आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको यहाँ पे PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, व्हाई डिड द ऑथर स्टीफन लीकॉक आस्क इज इट मी, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये आपको बताए थे कल MCQ में भी, लेटर के अनुसार यहाँ पे टू राइट ए लेटर भुलक्कड़पन का ये एक मतलब सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द ऑथर से दैट अपसेंट माइंडनेस मे बी ए वर्चुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई वाज लेटर राइटिंग डन मोर केयरफुली इन द पास्ट। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाई हैज लेटर राइटिंग बिकम ए लास्ट आर्ट। पूरा आंसर आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स व्हाई डू सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग लेटर। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डज रॉबर्ट लिंड नॉट कैरी एन एम्ब्रेला। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर जेसी हिल से अबाउट ट्रूथ। यही क्वेश्चन 10 को आपको देख के चले जाना है, इसी में से आपका 2 क्वेश्चन आएगा जो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो स्केच हम क्वेश्चन में बताए थे, ये देखिए स्केच यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड का है, यहाँ पे स्केच है डेविड कॉपरफील्ड का, स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिस
बेट्से ट्रेटवुड और डिस्कस द रोल प्लेड बाई बेट्सी ट्रेटवुड इन द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। यहाँ पे वन बाई वन आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है द डेफोडिल्स का, नेक्स्ट किसका है द डेफोडिल्स का, वन बाई वन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है इको का, आप कोई भी तीन याद करके चले जाइएगा, सेफ जोन में रहिएगा। फोर्थ आपका है ये वाला द लेक आइजल ऑफ आइनेस्फेयर, क्या है द लेक आइजल ऑफ आइनेस्फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जितना हो सके इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए ये आपका लास्ट में जो पैराग्राफ पांच नंबर का आएगा, यही पांच में से कोई एक आएगा, इसको देख के चल जाना है। फर्स्ट है आपका माइट इज राइट, सेकेंड है आपका हेल्थ इज वेल्थ, थर्ड है आपका यूनिटी इज स्ट्रेंथ, फोर्थ है आपका वर्क इज वर्कशिप, एंड लास्ट है आपका ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया, कोई अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया है। इतना देख के आपको चले जाना है, इसके बाद आपको आज शाम से वीडियो मिलने लगेगा इंग्लिश 100 मार्क्स का भी। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जो भूगोल के छात्र हैं वेट कर लीजिए, आपको शाम से वीडियो मिलने लगेगा। 200 ऑब्जेक्टिव देंगे, उसी से आपका क्वेश्चन लगभग 70-80% क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।